सकती है. सिंस वी हैव फाउंड आउट दैट प्रोटॉन हैज गॉट इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड अदर फैक्टर्स जो हमारे पास एक्सप्लेनेबल है, जो हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास प्रोटोन की इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द एनोमलीज दैट वी हैव ऑब्जर्व. तो इन द वे बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे प्रोटोन की इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रूव करने की यहाँ पे बात करते हैं. लेकिन प्रोटोन के अंदर देखने के लिए हमें उसके साइज की वेवलेंथ चाहिए, ठीक है. सो बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोटोन, तो प्रोटोन का जो साइज है उसके बराबर हमें वहां पे वेवलेंथ चूज करनी पड़ेगी. अप्रोक्सीमेटली उस रेंज की वेवलेंथ अगर हम चूज करेंगे तभी हम उसको यूज कर पाएंगे. तो जितना स्मॉल साइज है प्रोटोन का, बिकॉज 10^-14 मीटर, -15 मीटर और समथिंग लाइक दैट, इससे ज्यादा रहेगा तो इसको 1 फर्मी के ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज न्यूक्लियस का साइज है उससे कम ही उससे भी कम रहेगा ये, ठीक है जी. तो इस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन का साइज है वो स्मॉल है, इसकी वजह से हमारे पास जो वेवलेंथ चूज करनी पड़ेगी दैट शुड आल्सो बी स्मॉल. और वेवलेंथ स्मॉल हुई तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से जो एनर्जी है बहुत ज्यादा होनी चाहिए. इसी वजह से हम जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात करते हैं, जो एक्सीलेटर की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा एनर्जी हमें वहां पे यूज करनी पड़ती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें यूज करना पड़ता है. तो जितनी ज्यादा अपने स्मॉल इन्फॉर्मेशन को प्रूव करना है, स्मॉल पार्टिकल्स को आप प्रूव करने की बात करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी. सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. हमारे पास इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन द CMS कोलैबोरेशन एंड वेल एज एलिस कोलैबोरेशन. तो आप ये इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कॉम्पैक्ट म्यून सॉलेनोइड क्या है, जो आप एलिस का नाम ऐसे क्यों पढ़ा है, या इसके में कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन हो रही है. पंजाब यूनिवर्सिटी का अपनी कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ TIFR है, तो काफी सारे PARC है, तो काफी सारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. तो इसके बारे में हम बात करते हैं डीप इनलास्टिक स्कैटरिंग फिनोमेना. तो जितने भी बाई वाली चीजें हैं मोस्टली फर्मी लैब या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जिनेवा के कॉरेस्पॉन्डिंग, इतने बड़े बड़े एक्सेलेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ही स्टडी किए गए. सो सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम दूसरा नाम दिया जाता है डीप इनलास्टिक स्कैटरिंग या बोल सकते हैं इस आर्टिकल को. ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेरा सेकंड यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो उसके बाद आ जाता है कि क्वार्क पार्टन मॉडल भी बोला जाता है आपको डिस्कस करने के लिए, या फिर फैनमैन पार्टन मॉडल भी बोला जाता है, या पार्टन मॉडल का नाम भी इसको दिया जाता है. तो काफी सारा आपको ये इस काफी सारे नामों से आप इसको जानते हैं इस आर्टिकल को. बजॉर्कन स्केलिंग की इसमें बात होगी तो वो वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे. सो इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं कि इनलास्टिक स्कैटरिंग, इनलास्टिक स्कैटरिंग में मच एनर्जी इज अवेलेबल सो दैट फोटोन कैन गो इनसाइड द प्रोटोन और इट कैन प्रोब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोन. मतलब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर इफ दिस इज द प्रोटोन, तो प्रोटोन के अंदर दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव ए वेवलेंथ विच कैन पेनिट्रेट इनसाइड द प्रोटोन और इट कैन डिपिक्ट व्हाट इज इनसाइड द प्रोटोन. मतलब प्रोटॉन के अंदर देखने के लिए उस रेंज की हमें वेवलेंथ यहाँ पे चाहिए होगी. सो प्रोटॉन कैन बी प्रूव्ड बाय ब्रोकन, ओके, सो प्रोटॉन कैन बी कैन ब्रेक ब्रोक अप इनटू पार्टिकल. सो प्रोटॉन को हम ब्रोक अप कर सकते हैं, ठीक है जी. सो जैसे ही हमारे पास इंसिडेंट प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटाइज भी कर सकता है. जैसे हमारे पास स्ट्रिप रिएक्शन होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो अपना एक नया पार्टिकल जो जो टारगेट न्यूक्लियस का उसको लेके भी जा सकता है. पिकअप रिएक्शन होती है तो सारे का सारा पार्ट सिमिलर टेक्नोलॉजी पे जहाँ पे चलेगा. तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की हम बात कर सकते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे न्यूक्लियन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियन के साथ आप स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या रह सकता है, हो सकता है आप ब्रोक अप रिएक्शन को भी करवाएं. तो यहाँ पे ब्रोक अप भी पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे काई लिखा हुआ है. तो काई में जो कम्युलेटिव मोमेंटम रहेगा न्यूक्लियस का वो पार्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है. जो इंसिडेंट पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन उसका जो मोमेंटम है हमने स्मॉल के साथ लिखा हुआ है, एंड जो न्यूक्लियन का मोमेंटम है पी के साथ लिखा हुआ है. आउटगोइंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम के प्राइम के साथ, एंड जो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एन. सो काई जो है यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, काई लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस इट कैन बी एनीथिंग. तो कुछ भी पॉसिबल है बिकॉज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल आप शूट कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है या कुछ और बन रहा है तो वो भी पॉसिबल है. So if energy of electron is very high, then it can go inside the proton and hundreds of pions can be produced. So, मैंने आपको बोला था कि काफी सारी interactions possible है जिस रेंज में आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे. प्रोटोन को प्रोव करने के लिए कम से कम हमें 1 GeV एनर्जी तो चाहिए होगी, बिकॉज विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन. सो रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन को एटलीस्ट हमें
उसका जो बैरियर है क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इनकमिंग पार्टिकल है जहां पे इलेक्ट्रॉन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियन के साथ स्कैटरिंग कर रहे हैं, आउटपुट में क्या बनेगा, आउटपुट में इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर चला जाएगा एंड आर टू आउटपुट में आपके पास यहाँ पे क्या है पायॉन्स भी बन सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियन में पायॉन एक्सचेंज भी होता है और वहां से हमारे पास पायॉन्स भी निकल सकते हैं, यहाँ पे पायॉन्स निकल सकते हैं। बाकी क्या फ्रेगमेंटेशन बन सकती है, कोई अलग से हेड्रॉन भी हमारे पास दिखाई देने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हेड्रॉन फिजिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आपके पास हेड्रॉन्स भी बन सकते हैं। कौन कौन से हेड्रॉन बनेंगे दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हम जनरल इंट्रैक्शन लिख रहे हैं, सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, सो इसको हम जनरल भी बोल सकते हैं, सो जनरल टर्मिनोलॉजी है। So, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मैंने स्मॉल के साथ लिखा हुआ है, अज्यूमिंग रेस्ट मास टू बी जीरो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या है बेटा 0.511 MeV के बराबर, एंड जो हमारे पास प्रोटॉन है प्रोटॉन का रेस्ट मास कितना है 1 GeV एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लिया, ठीक है। अब इसको हम 0 GeV के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो लैब फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट हमने लिखा हुआ है, इस डायग्राम को आसानी एक बार समझ लीजिए। आपका ये इनकमिंग पार्टिकल है जिसका मोमेंटम हमने यहाँ पे के साथ लिखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटगोइंग जो इलेक्ट्रॉन रहेगा आफ्टर द इंटरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगा दैट विल बी के प्राइम, जो इसमें केस में मीडिएट करेगा फोर मोमेंटम के साथ दैट विल बी योर मीडिएटर, एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को हमें ई प्राइम के साथ लिख सकते हैं या ई के साथ लिख सकते हैं। जो न्यूक्लियन है उसको मैंने ब्लॉब के साथ लिखा हुआ है बिकॉज इट हैज गॉट सम इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा, सो इट विल बी अ बंच ऑफ पार्टिकल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इसको एक्स के साथ डिनोट किया हुआ है, तो जिसका मोमेंटम पी ऑफ एन हो सकता है और इसको हम पी प्राइम के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो इंसिडेंट न्यूक्लियन है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दैट इज इंसिडेंट न्यूक्लियन, तो इंसिडेंट न्यूक्लियन के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड द गिवन एनर्जी आपके पास जो इंटरेक्शन है पॉसिबल हो सकती है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन चैनल्स कैन बी ओपन। सो लैब फ्रेम है यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट लैब फ्रेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है यहाँ पे मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा प्रोटॉन को हम रेस्ट पे मान के चलते हैं, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो फोर मोमेंटम रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं ई के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, जो यहाँ पे क्या रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर नहीं डालना था हमने गलती कर दिया हमें, तो यहाँ पे क्या रहेगा जो फोर मोमेंटम है मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे थ्री मोमेंटम यहाँ पे दिया रहेगा, फोर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन इसका मोमेंटम सॉरी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी के साथ दिया गया है, तो प्रोटॉन के कास प्रोटॉन को हम रेस्ट के ऊपर मान के चलते हैं, यहाँ पे उसका जो फोर मोमेंटम है दैट विल बी रिटन एज एम एट जीरो बिकॉज प्रोटॉन जो है रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो रेस्ट मास है एम के साथ डिनोट किया गया है। उसके साथ हम यहाँ पे यहाँ ठीक है ओके, तो यहाँ पे इसके साथ दे रखा है कि मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रोटॉन का मोमेंटम है ठीक है, प्रोटॉन के मोमेंटम को ई एड और ई कमा पी के साथ लिखा है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे, थोड़ी करेक्शन कर लेना। तो जनरल फॉर्मुलेशन लिखी हुई है राधर देन एक्चुअल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, तो जनरल फॉर्मूला जो है यहाँ पे इस अकॉर्डिंग होता है ठीक है, जनरल फॉर्मुलेशन में यहाँ पे प्रोटोन फोर मोमेंटम को इस पर टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है, प्रोटोन के लिए जो है रेस्ट मास रहेगा एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड मोमेंटम जो थर्ड मोमेंटम रहेगा थ्री मोमेंटम रहेगा दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो बिकॉज प्रोटोन इज टेकन टू बी एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी है वो हमारी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी एंड जो मोमेंटम है यहाँ पे वो के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा इनकमिंग, एंड जो आउटगोइंग है आउटगोइंग के कॉरेस्पॉन्डिंग के प्राइम रहेगा, आउटगोइंग एनर्जी क्या रहेगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग है तो आउटगोइंग एनर्जी ए प्राइम एंड आउटगोइंग मोमेंटम के प्राइम, तो ये वाला जस्टिफाई यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम स्टार्टिंग में रेस्ट पे मान के चलते हैं प्रोटॉन को, ये वाली चीज आप यहाँ से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं ठीक है जी। काइनेमैटिक वेरिएबल क्या क्या रहेंगे बेटा, काइनेमैटिक वेरिएबल जो आप काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, सो काइनेमैटिक्स में आपके पास मोस्टली मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा तो यूज होगा, एक फ्रिक्वेंसी वेरिएबल रहेगा वो वाला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फोर मोमेंटम ट्रांसफर कितना रहेगा बिकॉज जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है या तो आप डिस्कस कर लीजिए कि आपने न्यूक्लियन को कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर लिया या फिर फाइंड आउट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ने कितना मोमेंटम यहाँ पे लूज किया, दैट विल बी बोथ विल बी द सेम थिंग, तो यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रांसफर है उसको हम के माइनस के प्राइम के साथ यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा ठीक है जी। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, इसको डिफाइन किया जाता है पी डॉट क्यू के साथ डिवाइडेड बाय कैपिटल एफ,
इसके साथ आप इसको डिफाइन करते हैं, तो दिस इज डिफाइनिंग पैरामीटर। तो जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैरामीटर W आएगा, W भी हम लेटर ऑन स्टेज में प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, ये क्या रहेगा, इट इज डिफाइंड एज पी ऑफ एन, मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियन का स्केयर रहेगा। सो इट विल बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो गया बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास इनवेरियंट मास ऑफ द फाइनल हेटरोस्टेट, तो इसको W को हम इसके ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, इनवेरियंट मास, इसको हम इनवेरियंट मास लिखते हैं। इनवेरियंट मास मतलब जो मास चेंज नहीं करेगा, बिकॉज आउटपुट में काफी सारे फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबका जो मिक्सअप रहेगा दैट विल बी गिवन बाय दिस वेक्टर, बिकॉज फाइनल स्टेट में काफी सारे फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, तो इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोटोन का मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय पी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे रखा है, एंड दोनों को मिक्सअप करेंगे तो फाइनल स्टेट के हेड्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, फाइनल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टोटल मोमेंटम है, सॉरी जो मास है उसके बराबर होना चाहिए, तो इनवेरियंट मास जो है उसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको पोर मोमेंटम ट्रांसफर जो है पी प्लस क्यू के स्क्वायर के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम डिफाइन भी करेंगे लेटर ऑन स्टेज में कैसे है कैसे नहीं है। सो फॉर द केस ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर, तो काफी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर टू बी पॉइंट लाइक, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तीन तरह के होते हैं यहाँ पे, एक म्यून हो सकता है या टाउ हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, तो सबके सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट लाइक पार्टिकल्स और दीज आर डार्क पार्टिकल्स। सो न्यूक्लियन हाउएवर इज कंसिडर टू हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियन की जैसे प्रोटोन या न्यूक्लियन न्यूट्रॉन है सबकी इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, सो देयरफॉर इट इज शोन एज ए ब्लॉब, इसको ब्लॉब के साथ इंटरप्रेट किया गया है एट द न्यूक्लियन वर्टेक्स, इसको ऐसे ब्लॉब के साथ इंटरप्रेट किया गया है गोले के साथ। We denote the final hadronic state having the total four momentum by p mu prime and its invariant mass divided by as given by W. मैंने आपको बोला था कि W के साथ हम इसको interpret करेंगे, तो invariant mass जो रहेगा, total states जो आपके पास fragmentation वगैरह भी होगी और जो paired particles produce होंगे, सबका जो momentum है, invariant जो momentum रहेगा, mass रहेगा, सॉरी टोटल फोर मोमेंटम जो है एंड invariant mass जो है उसके corresponding p prime and W के साथ इसको लिखा जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है कि इन डीप इनइलास्टिक स्कैटरिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हैज हाई एनर्जी, देयरफॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम आज ट्रांसफर टू द टारगेट न्यूक्लियन ब्रेकअप ब्रेकिंग इट अप इनटू हैड्रॉन्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट इन साइड दी न्यूक्लियन और इट कैन व्यू इनसाइड ऑफ द प्रोटोन। तो प्रोटोन के अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए इसको प्रोटोन के अंदर जाना पड़ेगा, इसी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर जो रहेगा ज्यादा रहेगा। सो बिकॉज ऑफ द लार्ज मोमेंटम कैरियड बाय द फोटोन, तो इनकमिंग जो फोटोन है यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन ले लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज मोमेंटम कैरिड बाय द फोटोन इट्स वेवलेंथ इज स्मॉल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो स्मॉल रहेगी, ठीक है जी। सो इट कैन प्रोब डीप स्ट्रक्चर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से डीप स्ट्रक्चर आप यहाँ पे प्रोब कर पाएंगे। तो पी स्केयर जो मोमेंटम स्केयर रहेगा, फोर मोमेंटम स्केयर, उसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है नेचुरल यूनिट्स में, ई स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर के कॉरेस्पॉन्डिंग मास ऑफ द न्यूक्लियन इनिशियल मोमेंटम, पी प्राइम जो है मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स रहेगा जो आपके पास आउटकम रहेगी, एंड डब्ल्यू इफेक्टिव मास और इनवेरियंट मास ऑफ द फाइनल हेड्रॉनिक स्टेट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पी प्लस क्यू क्यों लिखा जाता है बेटा, हेड्रॉनिक मास है, इसको आप मोमेंटम स्केयर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे, ये फोर मोमेंटम है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इसको फोर मोमेंटम की टर्म में लिखा हुआ है, तो पी प्लस क्यू का होल स्केयर आ जाएगा, तो फोर मोमेंटम यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू के माइनस के प्राइम और पी प्राइम माइनस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ऐसे ही आप डिनोट करते हो, तो काफी सारा जो लिटरेचर है आपको सिग्निफाई होकर मिल जाएगा। तो इसको इलेबोरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो मोमेंटम ट्रांसफर, तो यहाँ पे हम उसको क्यू स्क्वायर को माइनस क्यू स्क्वायर के साथ डिनोट कर रहे हैं, इसको क्यों किया जाता है वो हम लेटर ऑन स्टेज में बात करेंगे, आपको खुल के पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम उसको सॉल्व आउट करेंगे तो नेगेटिव साइन जो इंक्लूड होगा उसको हम टेक केयर करेंगे। यहाँ पे जो फोर मोमेंटम ट्रांसफर है, मोमेंटम ट्रांसफर इसको लिख सकते हैं पी प्राइम माइनस पी का होल स्क्वायर, इसके साथ डिनोट कर सकते हैं, दोनों ही पैरामीटर सेम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम डिनोट करें तो आपके पास माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर ये वाला फैक्टर आ जाना चाहिए, और यू कैन से दिस थिंग पी प्राइम माइनस पी का होल स्क्वायर के बराबर ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाना चाहिए बेटा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ पे काम चल जाना चाहिए।
तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड पे स्केयर है, तो स्केयर को जैसे ही आप सॉल्व करने की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी रिटन एज पी प्राइम स्केयर माइनस पी स्केयर माइनस टू पी प्राइम इन टू पी के कॉरेस्पॉन्डिंग आए। ये फोर मोमेंटम है, इसको थोड़ा सा ध्यान के रख के चलिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो पी प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, पी प्राइम स्केयर जो है उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू स्केयर, या इसको आप सॉल्व आउट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो ए वाला पार्ट बचता है इसको डायरेक्टली देख लेते हैं, बिकॉज दीज आर फोर मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। एक आपके पास एनर्जी वाला वो रिलेशन होता है, एक आपका थ्री मोमेंटम वाला रहता है, तो उसको आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इनवेरिएंट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग पी प्राइम एंड पी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम डब्ल्यू स्क्वायर के साथ इंटरप्रेट कर देंगे और इसको एम स्क्वायर के साथ इंटरप्रेट कर देंगे। बिकॉज जो पी है, जो मोमेंटम है उसका, जो फोर मोमेंटम है उसमें क्या क्या बचेगा हमारे पास, प्रोटॉन एट द रेस्ट है, इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, जो थ्री मोमेंटम जीरो हो जाएगा और ओनली जो मास बचेगा यहाँ पे, ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा एमसी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, एम ही बचेगा यहाँ पे। तो आउटकम में जो आपके पास इनवेरिएंट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग पी प्राइम है, बिकॉज पी प्राइम कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारे पार्टिकल्स निकल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन होती है, तो इसको इनवेरिएंट के मास के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम इंटरप्रेट करते हैं रादर देन एक्चुअल पिक्चर्स। सो इनकमिंग पार्टिकल का जो आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का जो मोमेंटम जीरो है बिकॉज ऑफ इट इज एट रेस्ट, इसकी वजह से हम पी प्राइम को एमसी स्क्वायर, जो फोर मोमेंटम है एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट को, एंड वहां पे एमसी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग एम ई बचता नेचुरल यूनिट। तो जब इसकी वैल्यू वगैरह फिल आउट करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस टू इंटू पी नॉट प्राइम इंटू एम बचेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा, पी जीरो हो जाता है। तो जीरो हो गया तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड वाला फैक्टर है इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो प्राइम वाला फैक्टर नहीं जीरो नहीं रहेगा, पी नॉट जो है आपका एम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा एंड ये वाला फैक्टर ऐसे रह जाएगा, तो बाकी सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इनवेरिएंट मास ऑफ द फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट, जिसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं, बाकी सारे के सारे फैक्टर हम दूसरी साइड ले जाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझ लग जाएगा। तो डब्ल्यू स्केयर जो है माइनस एम स्केयर प्लस टू इंटू पी नॉट प्राइम इंटू एम माइनस क्यू स्केयर के साथ आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां तक भी आप रख सकते हैं, तो काफी सारा लिटरेचर यहां तक भी सॉल्व हो जाता है, इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करके भी आप यहां पे छोड़ सकते हैं अगर आपको डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, जैसे आपको आर्टिकल आता है। तो अगर आपको बोल दिया गया है कि डीप इलास्टिक स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कीजिए या डिस्कस कीजिए, तो फुल फ्लेज आर्टिकल आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आप कुछ पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स रिवॉर्ड या डायरेक्ट लेके कुछ जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो इनवेरिएंट मास इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, तो इनवेरिएंट मास जो है यहाँ पे दे रखा है, इनवेरिएंट मास इज रिटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिखा हुआ है। एक टर्म ये वाली हो जाए, एक टर्म एक रिलेशन जो हो गया फर्स्ट रिलेशन, इसमें इसको मान के चलते, इसको हमने इक्वेशन नंबर लिख लिया एक बार। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर टू द न्यूक्लियर, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर की गई है, इनवेरिएंट मास कितना है, वो वाले स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर टू द न्यूक्लियस दैट इज फ्रॉम इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स टू द हेड्रॉनिक स्टेट इज गिवन बाय, तो ये वाला पैरामीटर जो न्यू दे रखा है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन आया और गया, ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की है टू दी न्यूक्लियर, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंसिडेंट एनर्जी इसकी निकाल लीजिए, इसकी आउटगोइंग एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों का माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, यू शुड बी हैविंग दी एनर्जी ट्रांसफर हियर। तो एनर्जी ट्रांसफर को हम यहाँ पे न्यू न्यू के साथ लिख रहे हैं, एंड इट कैन बी रिटन इन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एम के पैरामीटर के साथ यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं। तो जो फोर मोमेंटम ट्रांसफर है क्यू, उसको आप पी प्राइम माइनस पी के साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये फाइनल स्टेट का जो मोमेंटम है पी प्राइम है, इनिशियल स्टेट का मोमेंटम जो है वो पी के साथ लिखा गया है, तो पी प्राइम माइनस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, या फिर के माइनस के प्राइम के साथ भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी आप नोट करके देख सकते हैं। तो दोनों को पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहेगी, लेकिन हमने इसको ऐसे ही चूज करना है, हाइड्रोनिक स्टेट की बात हो रही है, तो हाइड्रोन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। तो पी इंटू पी प्राइम माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एफ के पास यहाँ पे आ जाना चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो फोर मोमेंटम वाला पार्ट है इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। इसको आप ऐसे आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली फर्स्ट मोमेंटम एंड थ्री मोमेंटम जो है इसको आप साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। बिकॉज इन वे जो स्टार्टिंग फेज है उसमें आपका जो प्रोटोन है वो आपका यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, तो थ्री मोमेंटम उसका जीरो हो जाएगा, तो पी नॉट जीरो होने की वजह से यहाँ पे आपके पास
पी नॉट प्राइम ये वाला बचेगा, और जो ये वाला पी नॉट है, पी नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एम बच जाएगा, बाकी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया बेटा, माइनस एम स्क्वायर एस एच रहेगा, डिवाइडेड बाय एम रहेगा, मास के साथ मास को कैंसिल कर दीजिए, इसकी पावर उठ जाएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पी नॉट प्राइम माइनस एम के साथ आपके पास रिजल्ट आएंगे, विच विल बी रिटन एज न्यू। तो और यू कैन से कि फाइनल स्टेट का जो आपका पी नॉट प्राइम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग विच कैन बी रिटन एज न्यू प्लस एम के साथ आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपके पास टू हो जाता है। ये वाली दो इक्वेशन इनवेरिएंट मास एंड एनर्जी ट्रांसफर जो है, ये वाला पार्ट आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज है, हमने जो डिस्कशन करना है इसके रिगार्डिंग, क्या पार्ट निकल के आएगा क्या नहीं निकलेगा, वो हम कल वाले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए क्या हो गया, आपने दो पैरामीटर यूज निकाले हैं, एक इनवेरिएंट मास का स्केयर और दूसरा निकाला है एनर्जी ट्रांसफर। तो ये दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस से हम बहुत कुछ निकालेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ हमें पता चलेगा। तो बाकी चीजें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं बेटा।